कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इसे देखते हुए उत्तराखंड वन विभाग कॉर्बेट में बाघों की धारण क्षमता की जांच कराएगा। भारतीय वन्य जीव संस्थान यानी WII ये जांच रिपोर्ट तैयार करेगी। रामनगर में राज्य के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक समीर सिन्हा ने कहा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर ही वन विभाग कॉर्बेट में बाघों को लेकर अपनी रणनीति तैयार करेगा। मुख्यमंत्री जी ने की थी, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की धारण क्षमता के ऊपर वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से रिसर्च के लिए अनुरोध किया जाए। हमने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बात की और हम उसकी पूरी तैयारी में हैं और जल्द ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस पर काम शुरू कर देगा, जिससे यह निर्धारित हो सके कि कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो टाइगर्स हैं उनकी धारण क्षमता कितनी है और उसी के हिसाब से आगे के लिए जो हमारे मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं उनको उसी अनुरूप फिट ढाला जाएगा। समीर सिन्हा ने बताया कि प्रदेश में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। इसमें तत्काल रिस्पांस और त्वरित कार्रवाई पर जोर दिया जाएगा। मानव वन्य जीव संघर्ष होने पर सीमा विवाद नहीं होगा, घटना चाहे जिस भी डिवीजन में हो, कार्रवाई सभी डिवीजन मिलकर करेंगे ताकि संसाधनों का अभाव न हो सके। उन्होंने कहा कि तकनीकी के साथ पारंपरिक ज्ञान को मिलाकर मानव वन्य जीव संघर्ष पर काबू पाया जा सकता है। ऐसी चीजें हैं जो मानव वन्यजीव संघर्ष के निवारण में मदद दे सकती हैं, जैसे जंगलों की सीमा से लगे हुए जो खेत हैं हमारे, उनमें किस प्रकार की वैकल्पिक फसलें उगाई जा सकती हैं। जैविक घेरबाड़ का मुद्दा है, नई कई टेक्नोलॉजी है, जैसे आज निदेशक कॉर्बेट से मैं बात कर रहा था तो यहाँ पर हमारा प्रयास है कि जिन क्षेत्रों में हाथी की आवाजाही ज्यादा है वहां पर बी हाइव्स लगाई जाए, जिससे कि एक पायलट हो जाएगा पायलट कि वो उनकी रोकथाम में किस प्रकार से मदद मिल सकती है। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक ने कहा कि बाघों के बदलते व्यवहार पर भी शोध किया जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि बाघ किन परिस्थितियों में हमला कर रहा है, ऐसे हालात की समीक्षा की जाएगी। बाघों के अलावा हाथी और तेंदुए के व्यवहार पर भी नजर रखी जा रही है।